ओके गुड लोग, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ऑफिशियली ट्रेलर आ चुका है, तो उसके ऊपर रिएक्शन कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है। 3 2 1 चल। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। कौन है तू? प्रलय। आप लोगों की एक कीमती चीज मैं लेके जा रहा हूं। आई होप यू डोंट माइंड। द पैकेज इज द मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस वेपन एवर टू बी मेड इन दिस कंट्री। दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। यू नीड टू एक्ट नाउ। अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े दो साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। मैं नॉर्थ कवर करता, आप ईस्ट संभाल। तू क्यों लीड करेगा? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट। एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? बड़ा कौन है? दिस इज हॉलीवुड। इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम, आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी अंडरकवर एसेट। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है, वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। जो तुमने मेरे साथ किया है अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। You think you're real heroes? Try and stop me. ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। रेजिमेंट का नाम है लायंस, और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है उतना ज्यादा खतरनाक होता है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। What? ये अच्छा हो आखिर में प्लॉट ट्विस्ट दे दिया, मतलब एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए। लेकिन खैर, ट्रेलर ट्रेलर तो वो चीज़ ही मज़ा आएगी, मैं बता रहा हूँ। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलरली कुछ भी ऐसे बुरा था, नहीं, वो उसकी क्वालिटी है, उसी तरीके का चीज़ी इंटरटेनमेंट देना चाह रहा है और आई थिंक उसे उसी तरीके से जज करते हैं। वो जो सुपर ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट था, जैसे नहीं अपन ने उस मूवी में देखा था यार, कौन जो टकले की थी यार, रॉक की हॉब्स एंड शॉ, उसका नहीं, इद्रिस एल्बा था। हाँ, उसमें नहीं, उसको जेनेटिकली इन्हांस किया जाता है उसकी पावर्स वावर्स को, मतलब ह्यूमन कैपेबिलिटीज से मतलब 10 गुना ऊपर होता है वो, तो ऐसा कुछ लग रहा है उसमें। शायद सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आई डोंट नो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। लेकिन जो अपने विलन पृथ्वीराज सुकुमार, या उनको आई थिंक इसी तरीके से जेनेटिकली इन्हांस किया गया है। बाकी कुछ न्यूक्लियर व्यूक्लियर वाला ऐसा कुछ AI वाला मसला होगा उसमें, ह्यूमन क्या कहते हैं, ह्यूमन सोल्जर्स ऐसे टैंक्स में बंद तो नज़र आ ही रहे थे जिन्हें रिलीज़ किया जा रहा था। लेकिन हाँ, चीज़ ही मज़ा आएगा, जैसे टिपिकल बॉलीवुड वाला होता है ऐसे कुछ
एकदम से नया नहीं किया इन्होंने, या जैसा सोचा था वैसा ही है। कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा खास नहीं, जैसे जैसे अपन मज़ा करते आ रहे थे इस तरीके की मूवीज़ को देखते हुए, वैसा ही है, बस वैसे वही है।